हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक ट्रैवल बैग लेकर आई हूँ। और आज का ट्रैवल बैग कुछ अलग स्टाइल में है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक छोटी जिप दे रखी है, ये देखिए। एक पॉकेट यहाँ पर है, इसमें हम अपना चश्मा वगैरह या टिकट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, अगर ट्रैवल में हैं जो भी रख सकते हैं। और इसके बाद हमने एक जिप इसके बैक साइड में दी है, ये यहाँ पर हम अपनी स्लीपर या न्यूज़पेपर, मैगज़ीन कुछ भी आराम से रख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं साइड में, एक पॉकेट हमारी यहाँ पर है, एक पॉकेट हमारी यहाँ पर है। अब इसको हम यहाँ से खोलना शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पर फ्लैप दिया है, ये देखिए, ये पूरा इस तरह से खुल जाएगा। ये पूरा कवर इस तरह से है। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक छोटी पॉकेट दिखाई देगी बिना जिप की। यहाँ पर वेलक्रो है और एक पूरा काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट हमको इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह से सेफ है। आपका ये वाली जो जिप है वो किसी को दिखाई भी नहीं देगी, जल्दी खुलेगी भी नहीं। और इस फ्लैप को हम यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। तो वेलक्रो से ये चिपक जाएगा तो सारी पॉकेट अंदर कवर हो जाएंगी, क्योंकि सबके सामने कभी मैगजीन निकालना हो, कभी कोई सामान निकालना हो, तो पूरा बैग खोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, या खाना पीना। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक पॉकेट दे दी है। और ये जो बेल्ट है ये इस तरह से आएगी, इस तरह से, ये देखिए, है ना। तो ये कैसे बना है और कैसे किस तरह से बनाना है, क्या मेजरमेंट है, तो चलिए इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16x24 इंच 1 पीस क्विल्टेड, 14x15 1 पीस क्विल्टेड, 8x16 1 पीस क्विल्टेड, 8x8 2 पीस क्विल्टेड, 8x8 2 पीस क्लॉथ, 6x7 1 पीस क्लॉथ, 14x15 1 पीस क्लॉथ, जिप 16 इंच 3, 8 इंच 2, बेल्ट 36 इंच 2, पैच 1 पीस, रनर 5 पीस, वेलक्रो 8 इंच 1 पीस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज का बैग बनाने की शुरुआत हम करेंगे 8x16 इंच के पीस से, और इसमें जिप लगाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ सेंटर मार्क किया है। अब इसको हम कट करेंगे और जिप लगा देंगे। अब इसके बाद हम लेंगे 8x8 का पीस और जिप, 8 इंच की जिप। इसमें हमने 2 इंच डाउन जा करके निशान लगाया है। ये दोनों पीस में निशान लगाएंगे, कट करेंगे और जिप लगा देंगे। दोनों पीस इस तरह से तैयार करने के बाद 8x8 इंच का जो क्लॉथ लिखवाया था उसको लेंगे और पीछे से इसको कवर कर देंगे। तो ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से दोनों पीस तैयार करने के बाद अब हम लेंगे 14x15 इंच का क्विल्टेड पीस और इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 14 है, ये हमारा 15 है। 14 इंच के एरिया पर 2 इंच डाउन जाएंगे। ये 14 है, ये याद रखिएगा, 1 इंच का अंतर है केवल। 15 इंच की हमारी लेंथ रहेगी और 14 इंच की विड्थ रहेगी। तो 2 इंच डाउन जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने निशान लगाया है। और फिर इसके बाद ये 8 इंच पर हमने एक निशान लगाया है यहाँ पर, ये हमारा 8 इंच का दूसरा निशान है। इसको हमने 8x16 कर दिया, 14 कर दिया, 8x14 कर दिया। और अब इस 8 इंच के बाद फिर हम 2 इंच डाउन जाएंगे और फिर एक यहाँ पर मार्क करेंगे और फिर इसको घुमा देंगे। तो नीचे वाला जो 14 है वहाँ से हम इसका सेंटर मार्क निकालेंगे 7 इंच पर, क्योंकि ये हमारा 14 है। फिर इस सेंटर से हम 3 इंच इधर निशान लगाएंगे, 3 इंच इधर निशान लगाएंगे। टोटल हमें यहाँ पर 6 इंच का गैप चाहिए। अब इसमें हम, ये हमारा निशान हो गया और यहाँ से भी इस 8 इंच के नीचे से भी हमने 2 इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले इसको कट करना है और जिप लगानी है। रनर डालेंगे
रनर जितने भी हैं सब ऑप्शनल हैं, आप एक डालें या दो डालें। अब यहाँ ये 8 इंच हमने लिया था, अब इस 8 इंच के बाद ये जो 2 इंच का हमने यहाँ पे लाइन खींची है इसको कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। इसमें भी रनर डाल देंगे। अब इसको तैयार करने के बाद 6x7 का जो पीस हमने लिखवाया था उसको लेंगे, तो जो 7 इंच का एरिया है वहाँ पर एक फोल्ड देकर मशीन चला देंगे। और इस पीस में जो हमने वेलक्रो लिखाई थी 8 इंच की उसको लेंगे और लगा देंगे। तो वेलक्रो का जो हार्ड वाला पीस है उसको हम इसमें लगाएंगे, सॉफ्ट वाला भी रख देंगे। नीचे से करीब 1 इंच अप जाएंगे और इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद वेलक्रो का दूसरा पार्ट इस पे हम लगा देंगे। और ये जो हमने अभी 14x15 इंच का पीस लिया था इस पर हम यहाँ पर एक पैच लगाएंगे। पैच ऑप्शनल है, आप पैच लगाना चाहें तो ठीक, नहीं लगाना चाहें तो भी ठीक। तो इसको हम जिप के नीचे यहाँ पर सेंटर में, ये जो सेंटर है इस सेंटर पे रखते हुए लगा देंगे। धागा चेंज नहीं किया था, अब ये यहाँ पर मैंने मैचिंग का धागा लगाया था तो यहाँ पर वाइट है इसका, तो इसलिए धागा बदलने की मैं वेट कर रही थी क्योंकि वेलक्रो भी वाइट ही था। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब लेंगे हम 14x15 इंच का क्लॉथ जो मैंने लिखवाया था। तो यहाँ पर ही मैं बता दूँ कि ये जो है कपड़ा आप देख रहे हैं ये 44 साइज़ की शर्ट थी, फुल शर्ट, काफ़ी लंबे चौड़े आदमी की शर्ट थी, मतलब शर्ट थी इसलिए कि अब कट चुकी है। तो उसको मैंने, और कपड़ा बहुत अच्छा था, कॉलर फेड हो गया, तो मैंने कहा चलो बैग बनाते हैं और इसका बैग बहुत ही खूबसूरत बनेगा, तो उसी को मैंने ये निकाला है। तो अब इसका, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ जोड़ लगाया है, कपड़ा कम पड़ गया था तो इसको इस तरह से पूरा मेजरमेंट किया है। अब इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर इसको यहाँ पर सेट करेंगे पूरा। ये 14 है, ये 15 है। अब इस कपड़े पर अभी हमने केवल रखा है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे निशान जो मैंने बताया था, इसको यहाँ पलटेंगे और जो वेलक्रो का पीस है हमारा सॉफ्ट वाला उसको लेंगे और ये जो सेंटर हमने यहाँ निकाला था इस सेंटर को यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर हमें लगाना है इस तरह से, ये भी 1 इंच अप जाएगा। अब इसको हम हटा लेंगे और इस पर इसको लगा देंगे। अब इसको लगाने के बाद इसको हम, ये जो हमने पीस तैयार किया था इस पर लगा देंगे। वेलक्रो वाला पीस अंदर रखेंगे, ये वेलक्रो का पीस, और ये सामने आना चाहिए। अब इसको हम पैक करेंगे। तो ये जो मेजरमेंट यहाँ किया था इसको भी ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 14x8 आ गया, ये सेंटर मार्क है 7 इंच इधर, 7 इंच इधर। अब इस 8 से इस सेंटर मार्क को, सॉरी, इस सेंटर से यहाँ पर ये 3 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस 8 से इस निशान को मिला देंगे। और ऊपर का 14 इंच का एरिया छोड़ते हुए बाकी यहाँ से जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक इसको हम पैक करके ले आएंगे। अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे।
और अब इसको यहाँ से सीधा करेंगे और यहाँ पर एक चाप की दूरी से फिनिशिंग की मशीन चला देंगे। और ऊपर जो है 14 इंच का एरिया, इसको सिंपली ऐसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो 8 इंच पर लाइन खींची थी, एक मशीन इस पर चला देंगे। और यहाँ पर ये हमारी दो सेपरेट पॉकेट हो गई, एक ये और एक ये। अब इसको तैयार करने के बाद हम अपना 16x24 इंच का पीस लेंगे, मेजरमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेजरमेंट मैंने किया हुआ है, तो ये हमारा 16 है और ये हमने 8 इंच पर यहाँ मार्क किया हुआ है पूरा, ये पूरा 8, इसको हमने 8x16 का पूरा नाप दे दिया है। अब ये जो पहली नाप दी, इसके बाद फिर 8 इंच पर हमने इसको डिवाइड किया है, यहाँ पर इस तरह से मेजरमेंट लेके नापेंगे। ये हमारा एक 8 इंच का ये हो गया, 1 इंच का ये हो गया, तो 8 × 24, सिंपल सी बात है। इसको हमने 3 पार्ट में कर दिया है। अब किसी भी एक साइड से नीचे जाएंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर बीच में 8 इंच का गैप रखेंगे, फिर 4 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक इसी तरह हमने दूसरी साइड भी निशान लगाया हुआ है। अब हमने एक 6x7 की पॉकेट बनाई थी, उसको लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो पार्ट हमने सिलाई की थी, इसको ऊपर रखना है इस साइड में, इसको यहाँ पर बीच में रखेंगे, मशीन चला के पैक करेंगे। इसको जोड़ने के बाद इसको इधर पलटेंगे और दो साइड से इसमें मशीन चला देंगे। इसको हमने इस तरह से तैयार कर दिया। अब हम लेंगे बेल्ट और ये जो 4 इंच पे निशान लगाया था हमने, यहाँ से ये हमने 6 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है, ये इस तरह से। ये हमारा डिस्टेंस 6 इंच का है, ये 8 इंच का है, फिर यहाँ पर 6 इंच का है। सेम हमने इधर भी किया है, ये हमारा 6 इंच पर है और ये 4, 8, 4 है। अब इस पर हम बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट का ये जो आखिरी हिस्सा है और ये जो लाइन हमने खींची है, तो बेल्ट का ये हिस्सा और ये लाइन पर रख के सिलना है। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 3-4 मशीन देंगे और इस लाइन के साथ मिलाकर इसको यहाँ तक सिल देंगे। अब इतनी तैयारी के बाद हम सारे पीस को अब जोड़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 14x15 इंच का पीस, जिसमें हमने ये पैच लगाया था, तो इसको हमें लगाना है बेल्ट हटा करके और इस साइड में जिधर ये पॉकेट है हमारी, जिधर ये हमने सिंगल पॉकेट लगाई थी, इसके जस्ट अपोजिट जहाँ पर वेलक्रो और पॉकेट नहीं है, इसको यहाँ पर लगाएंगे। सेंटर निकालेंगे पहले इसका हम, ये 8 इंच पर है ये, क्योंकि 16 था और ये हमारा 14 है, तो इसको हम 7 पर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर बेल्ट हटा दें, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको यहाँ पर जोड़ दें इस तरह से। ध्यान रहे ये वेलक्रो का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, ये जिप वाला हिस्सा अंदर होना चाहिए। और इसके साथ ही ये दोनों पीस को मिलाने के बाद जो हमने 8x16 इंच का पीस तैयार किया था, ये वाला, इसको भी इसके साथ ही रखेंगे और बराबर से तीनों को सिल देंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद जो ऊपर 8x16 इंच का पीस आप देख रहे हैं, इसको हम केवल लेंगे और इस बेल्ट को हटाते हुए इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। अब 8
बाई 16 इंच का जो ये वाला पीस है जो हमने अभी बाद में जोड़ा है, ज़िप को पकड़ेंगे और बॉटम में जा कर के निशान दे देंगे दोनों साइड में, इस तरह से। सेंटर निकालने के बाद 8x8 के जो दो पीस हमने तैयार किए थे उनको लेंगे, उसका भी सेंटर निकालेंगे ज़िप की तरफ से और उसके अपोजिट साइड से। और अब ये जो हमने सेंटर निकाला था यहाँ पर, इसको इस 8x16 वाले ज़िप के साथ मिलाएंगे सेंटर को और ज़िप को। पहले ये 8 इंच को हम जोड़ेंगे, फिर ये जो बॉटम का कट किया था यहाँ से इसको और इसका सेंटर मिलाते हुए इन दोनों को जोड़ेंगे, बाद में साइड के 8 इंच को कवर कर देंगे। ये दोनों 8 इंच लग गए। अब ये जो साइड के हमारे पास बचे हैं इनको हम जोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए एकदम परफेक्ट इसका मेजरमेंट है। सेम प्रोसीजर में इस साइड का भी जोड़ देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैग और ये खड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि सारे इसके जो भी जोड़ थे सब सही बैठे हैं। अब इसको हम खोलेंगे, सीधा करेंगे और ये हमारा बैग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये हमारा मेन पार्ट है, काफ़ी स्पेस है इसमें, हमने इस तरह से दी है। और जब इसको हम बंद करेंगे, एक पॉकेट हमने साइड में दी है, एक पॉकेट इस साइड में दी है। पॉकेट जैसे दी जाती है साइड में वैसे ही दी है, एक सिंगल पॉकेट हमने यहाँ पर बिना ज़िप की दी है। फिर जब हम इसको बंद करेंगे, ये देखिए बेल्ट हमारी इधर आ जाएगी और ये वेलक्रो जा कर के इसमें लग जाएगा, ये बेल्ट यहाँ से इधर आ जाएगी और ये बैग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा ये। और एक पॉकेट हमने यहाँ दे दी है, अब जैसे कभी पेपर है या स्लीपर वगैरह है रखने की, अंदर खाना पीना भी रहता है, तो उसको एक अलग से हमने यहाँ पर कंपार्टमेंट दे दिया है और एक छोटी पॉकेट यहाँ पर दे दी है। हैंकी है, बिल है, जो भी रखना चाहे चश्मा वगैरह है यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा ट्रेवल बैग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।